9:30 बजा है, महारानी अभी आई है। क्या करेगा, बहनी के कपड़े पसंद आता है। 2.5 घंटा मार्केट में वेस्ट करके यही है वो कपड़ा लाई है। नदी का जितना बाल में सब घर पे आ रहा है, सब चारों तरफ लग रहा है, डर लग रहा है कि मेरा मोबाइल ना उड़ जाए मेरे हाथ। बहुत ही जबरदस्त आंधी है, इतना जबरदस्त आंधी है ना, अभी लाइट आया हुआ था, लाइट वाइट सारा कट गया है एकदम। मेरा तो डिश चल रहा है कि लग रहा है कि डिश एकदम कमर के उड़ जाएगा। अभी नीचे आराम से सिद्धार्थ भी होने लगा कि हम नहीं जाएंगे छत पे, बारिश भी हो रहा है, देख सकते हैं पूरा बारिश हो रहा है। अभी बारिश में पूरा मजा लेने के लिए आया है छत पे, नंगू पंगू होके। अरे बारिश हो रहा है, भाग भाग भाग। अरे अरे पूरा बारिश का ही मजा। चलो चलो, अरे मम्मा मारेगी, तुमको ही मारेगी, हमको ही मारेगी। चल, लाइट चला गया है, इसको जला के रखे मोमबत्ती को। तो ये बालक बोल रहे हैं हमको फूकने दो, हम बुझाएंगे। ये इतना आंधी तूफान लाया है, पनौती ही लाई है। जब से जैसी घर में आई वैसे ही आंधी तूफान आ गया, एकदम लाइट वाइट सब कट गया एकदम। तू कहाँ भाग रहा आंधी में? नहीं, ये आई तब आंधी तूफान भी आया है। ए टिकलू, मारेगा खींच के, बारिश हो रहा है बहुत है। अभी चिल्ला रहा है कि हाँ कि हम बारिश में रहेंगे। छतवा पे डांस कर करके अभी नाच रहा था पूरा एकदम। हाँ, यहीं से फूक रहा है उसको मोमबत्ती को। अभी शाम हो गया तो चेहरा तो बढ़िया से दिख नहीं रहा होगा। अभी बारिश हो रहा था तो छत पे गए थे बालक को लेके, अब बालक उधर से लेके आए नीचे। अब यहाँ पे बालकनी में पानी छान रहा है, हाथ ऐसे बाहर करेगा और पानी छानेगा। क्या कर रहा है तुम यहाँ पे? अब बॉल बताएगा नहीं, फेंकना मत। अरे बॉल फेंक। 1 hour later अभी शाम के क्या, रात के बज चुका है लगभग 8:30 बज गया है। पूजा गई है मार्केट पूजा के साथ, तो ये बाप बेटा दोनों घर पे हैं, तो आराम से देख रहे हैं पोगो। हाय बोलो बिट्टू, हाय हाय। अभी नहीं बोलेगा, अभी देख रहा है कि मोबाइल चालू है तो अभी नहीं बोलेगा। ऐसे मोबाइल नहीं चालू रहता है तो बोलते रहेगा हाय हेलो। अब पूजा गई थी मार्केट तो बोली कि आ जाएंगे आधा घंटे में आ जाएंगे, अभी तक आई नहीं है। 9 बजने वाला, खाना वाना बना ही नहीं है। अब जाएंगे, वो कॉल करेगी कि आइए हम लोग को लेने के लिए पुल पे, तब यहाँ से रूम से स्कूटी हम लेके जाएंगे, उसके बाद वो लोग को लेके आते हैं। वैसे काफ़ी टाइम हो गया वो लोग को गए हुए, वैसे भी वो जाती है पूजा जाती है मार्केट में बिना 1-2 घंटे के पहले, 2 घंटे मिनिमम 2 घंटा अगर कुछ खरीदने जाती है तो मिनिमम 2 घंटा तो लगाती ही है। देखिए कब आती है, तब तक बालक भी बोर हो रहा है, खाना वाना खाया नहीं है बेचारा, आएगी पूजा बनाएगी उसके बाद ही खाना खाएगा, भूखा पेट सोया हुआ है, आराम से देख रहा है। अब आती है वो लोग, तब मिलते हैं आप लोगों से। 2 hours later 9:30 बजा है, महारानी अभी आई है। 7 बजे गई है, घर से निकली है 7 बजे गई, 9:30 आई है। तो 2.5 घंटा तो कॉमन है। हाँ, बड़का कॉमन है 2.5 घंटा। बेचारा बेटा एकदम मम्मा के आशा देख के बिना खेले पीले बेचारा सो गया एकदम। देखो तो जानते हैं ये चार बाबा का घुरे कभी कहीं ले लेंगे, फिर कहीं ले लेंगे, इधर से कभी और तो मेरे
हमरा आप ऐसे करती है तो हम मारबो करते हैं। अढ़ाई अढ़ाई घंटा कोई शॉपिंग करता है, ये वो भी एक सामान खरीदता है इसी पर क्या? नहीं अभी बोलू लिया दिखा का खरीदी कितना में दिया 250 में? तुम्हारा जीजा बोल देंगे ठीक है, साढ़ू भाई बोल देंगे हम जाकर। कितना में दिया ये? 800। ये हमको फ्री में देगा ना जे हम नहीं लेंगे तो का हट दो लेट हो चला भाई। कौन एंगल सी पसंद आया ये वाला तुम लोग को? हाँ कौन एंगल से सुंदर लग रहा है ये बोले ना? ये पसंद करेगी तो इसने करेगी, अल तो फालतू चीज 800 रुपया के सामान है। आठ सौ रुपया में एक बार देखी थी मम्मी लेके गई थी वो दुकान में, तो खाली कुर्ती था कितना जबरदस्त कुर्ती था वो देखो पहले। हाँ तो उसमें काले ढूंढ रहे थे मैं नहीं मिला, बोला तू सब चेन होते रख रहा, कोई भी नहीं बोल रहे थे कि बढ़िया का पूछा ना करे चंदेरी लटका। हाँ हाँ मम्मी एक बार लेके गई थी ना तुमको मार्केट में? हाँ कल बार पहन लो कर बाद फिर रिटर्न करवा दो। यही सब पे जैसे कपड़ा खरीदती है तो दुकान के भरोसा उड़ जाता है दुकानदार का। अरे ठीक है इसी बोल रहा है पागल है, इतना सुंदर लग रहा है, आपको नहीं मन है पसंद है ना तो रह दीजिएगा हम ले लेंगे आपको, जो पैसा होगा दिया। हाँ ये बेको उन्हें बढ़िया लग रहा है इतना। अढ़ाई घंटा मार्केट में वेस्ट करके यही है कपड़ा लाएंगे कलर है। तब तक ही मार्केट में थी तब तक हम बाबू को खिला भी दिए, आराम से नहा भी दिए बाप बेटा। खिला कुछ दिए जी? अरे जो था घर में वो दूध पिला दिए, बना के गई थी, इसको सोचना चाहिए था घर में वो छोटा बालक है, आराम से मार्केट जा रहे हैं उधर टाइम लगेगा 2-3 घंटा, तो आराम से बना बना के जाए। तुम इसको बोल के रखे थे कि शाम में जाना तो बाबू के लिए कम से कम रोटी बना देना हम खिला विला देंगे, तो नहीं तो बेचारा देखे भूखा हुआ सो रहा था ऐसे ही उसको नींद आ रहा था, आज दिन में सोया नहीं था तो आराम से उसको पहले खाना खिलाया उसके बाद नहला दिए एकदम बढ़िया से पाउडर वाउडर लगा दिए फिर आराम से टीवी देखते देखते सो गया। अभी आइए फिर उसको सुला के फिर हम भी गए नहाने, हम भी नहा वहाँ के निकले बस देखेंगे लोग टपकी 7 बजे गई 9:30 बजे गई, खाना वाना भी नहीं बनाई अभी जाके खाना बनाएगी, खाना वाना बनेगा कि वो भी बोलेगी कि नहीं आज उपवास कर लो रात में एक टाइम का फास्ट करना चाहिए। हाँ तो बना फटाक से भूख लगा हुआ है कब से और समोसा खाए थे नहीं दो दो समोसा ठीक है तो सो दो समोसा खाए खाएंगे खाएंगे पेट भर गया कह रहे हैं कि दो समोसा। हां यही 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 इसने इसने बीवी के मारता है पति एकदम चाचा जाओ पीछे शाम में दो समोसा का खाएं बोल रहे कि दो समोसा खाएं ना पेट भर गया होगा आपका बंदरी है फटाक से बनेगा देखिए बाल मेरा काफी बड़ा हो गया मेरा बालक भी कुछ नया नया कपड़ा पहनेगा तो वैसे ही आईना के सामने आके ट्राई करेगा जैसे ही कर रही है तो वहाँ पे चेक करके लेती है। आगे आगे देखिए आगे ए लड़की आगे देखो आगे देखो आगे देखिए इधर देखो ये पूजा बढ़िया से देखो इधर 10 रुपये में से 11 को बोलेगा कि हमको फ्री में देगा फिर भी नहीं लेंगे। कार्टून अभी तक चल रहा है बेचारा सो गया हुआ बस बस यही बैठ के करते रहो रील्स खेलते रहो। अभी बज गया है कितना 11 बजने वाला है 10:40 हो गया तो क्या करें सोना वोना नहीं है
आप भी खाना वाना बनाइए। तो अभी खाना वाना दिया हमको, हम खाए ये बैठ के, रील्स है, रील्स का रील्स चल रहा है। तो ऐसे 10 बजे से पहले कहिए। आ इसका इधर मेहंदी लग रहा है, तुम मेहंदी ना लगाइए। ऐसे के पच्ची पड़ता है बेगाने के शादी में, अब्दुल्ला दीवाना। अरे शादी में जा रही है तो सब पूरा अभी तैयारी करी, रात में मेहंदी वेहंदी लगा रही है। कबूतरी ने बेचारा मेरा बालक बिना खाए पिए उधर सोया पड़ा है, आज भूखा सुला दी तुम। तो अभी तो इसका खाना माना हुआ नहीं है, अब इसका कहाँ इंतजार करें। अब हम जा रहे हैं आराम से सोने, बालक को लेके आएंगे यहाँ पे, सोएंगे आराम से, फिर पापेटा। हाँ भर दिए, तो कल जाना है शादी में, लगभग 12-1 बजे जाएंगे शादी में। तो ब्लॉग में बने रहिए, कल शादी का भी कुछ ब्लॉग दिखाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ बोल दिए, दिन में ही शादी है। और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।